उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से लोकसभा सांसद और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ आज पटना पहुंचे। यहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा प्रमुख होने की बात को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इस देश का सबसे बड़ा अगर काम हुआ है तो वो राम मंदिर का निर्माण है। हिंदू धर्म में पैदा होकर जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। वहीं अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों पर तंज कसते हुए कहा कि हिंदू होकर जो अयोध्या धाम का नहीं, हिंदू होकर राम का नहीं वो किसी का नहीं। इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक को लेकर सवाल पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। इस पर उन्होंने कहा कि पहले वो डिसाइड कर लें कि उनकी तरफ से पीएम कौन बनेगा। हम भाजपा के लोग पूरी तरह कंफर्म है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। इंडिया अलायंस पहले कंफर्म कर ले कि प्रधानमंत्री कौन होगा, उसके बाद बात की जाए। वहीं उन्होंने 92 संसद को निलंबित किए को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि जनता अनमोल वोट देकर उन्हें संसद में भेजती है और संसद में तख्ती उठाएंगे तो कार्रवाई होगी। संसद में जनता ने आपको काम करने के लिए भेजा है, ना कि आपको तख्ती उठाने के लिए। वहीं विपक्ष के द्वारा लगाया गया आरोप कि विपक्ष के द्वारा गृह मंत्री से सदन में जवाब मांगा जा रहा है तो जवाब नहीं दिया जा रहा, इस पर निरहुआ ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, इसकी जांच हो रही है, जांच होने के बाद रिपोर्ट सबके सामने होगी। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए डेस्क रिपोर्ट।